सब्सक्राइब करें वाइंदा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू mahindraguru.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग अ न्यू सेशन ऑफ फॉरियर इन्फॉर्मेशन #FYI वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 17th मार्च। जी हाँ, 17 मार्च के इतिहास पे हम डालेंगे आज नजर और इसी चर्चा में बने हुए हैं हमारे साथ हमेशा की तरह हिस्ट्री गुरु, जिनसे करेंगे हम बात और जानेंगे क्यों है ये दिन महत्वपूर्ण, क्या ऐसा घटा था जिसको हमें जानना है जरूरी। सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन एंड लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट इवेंट व्हिच हेल्ड ऑन 17th मार्च यस एंड 2014 2014 ही वो वर्ष था व्हेन द रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया वाज डिक्लेयर्ड। तो बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से जानेंगे कि सिर्फ क्रीमिया का डिक्लेरेशन हुआ था, रिपब्लिक का डिक्लेरेशन हुआ था, तो ये इवेंट खुद में इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है। जैसा कि व्यूअर्स, हमने कुछ पिछले सेशंस में भी देखा था कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी, जो कि हमने देखा था कि पर्टिकुलर जो चाइना कंट्री था उससे हमने एक से दो देशों के बारे में जाना था कि उनके इंडिपेंडेंस डे उस दिन सेलिब्रेट होते थे या उस दिन उन्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। कुछ उसी प्रकार क्रीमिया ने, जो कि एक गुलाम, हम यूं कहें कि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ वह जुड़ा हुआ एक देश था जिन्होंने अपने आप को एक अलग, एक सेपरेट कंट्री के तौर पर डिक्लेयर किया, यूं कहें कि रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया हम कह सकते हैं, जैसे हम अपने देश को कहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, उसी तरह आज ही के दिन 17 मार्च 2014 को क्रीमिया जो कंट्री है उसने अपने आप को एक रिपब्लिक कंट्री के तौर पर अनाउंस किया था, तो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कहीं ना कहीं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट पार्ट, बर्थडेज की बात करेंगे। 17th ऑफ मार्च को किसका बर्थडे होता है? सो यस, वी हैव द फेमस पर्सनालिटी कल्पना चावला। 1962 वाज द ईयर व्हेन दिस पर्सनालिटी वाज बोर्न एंड कल्पना चावला की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वुमेन टू लैंड इन स्पेस। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भारतीय मूल से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कल्पना चावला का नाम ही निकल कर आता है। कल्पना चावला के बारे में जैसे हम देख रहे हैं कि आज उनका बर्थडे है 17th, अगर हम बात करें मार्च 1962 को उनका जन्म हुआ था हरियाणा जो राज्य है उसके करनाल नाम के शहर में। जी हाँ, करनाल शहर था और हरियाणा नाम का जो राज्य है वहां इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में कुछ और अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करना चाहूँ, सी वॉज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला की अगर हम बात करें तो एक ही नाम निकल कर आता है, वह निकल कर आता है कल्पना चावला का, जिनका कुछ समय बाद अगर हम बात करें कि कुछ ही समय बाद 2003 के आसपास इनका जो स्पेस एयरक्राफ्ट था वह वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ब्लास्ट हो गया था, तो इसे हम डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं जो कि कोलंबिया डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज ही के दिन नारी शक्ति का एक प्रतीक के तौर पर देखी जाती है कल्पना चावला, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ। बिल्कुल, तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सो वी हैव अगेन अ वुमेन साइना नेहवाल। 1990 वाज द ईयर, 17th मार्च शटलर साइना नेहवाल का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कल्पना चावला के बारे में कि वह हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती थी, उसी प्रकार साइना नेहवाल जो है उनका जो बॉर्न प्लेस है, जो उनका बर्थ प्लेस है, वह कहीं ना कहीं हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट है। जी हाँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से ये भी बिलोंग करती है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1990 में। इनके लिए क्या तारीफ करूं, इनके बारे में आपको क्या बताऊं, आप सभी जानती हैं कि स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के लिए, कई पदक इन्होंने जीते हैं। जैसा कि अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं तो अवार्ड्स ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, उनके स्पर्धा, उनके प्रतिभा के बारे में बताते हैं। अगर हम बात करें अर्जुन अवार्ड की तो 2009 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, 2010 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इनके सिविलियन अवार्ड होता है। इसके साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 और 2010 से नवाजा गया एंड पद्म भूषण, जी हाँ पद्म भूषण अवार्ड यानी भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण 2016 में भी इन्हें दिया गया। तो इनके अवार्ड्स, इनके पुरस्कार, इनके प्रतिभा को दर्शाते हैं। आज ही के दिन 17 मार्च 1990 को हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल, तो आगे बढ़ेंगे देखेंगे, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेथ पर्सनालिटीज, दैट मींस किसकी पुण्यतिथि होती है 17 मार्च को। तो द पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज दत्तू फाटकर, 1985 वाज द ईयर, 17 मार्च वाज द डेट व्हेन ही डाइड। और अगर हम बात करें तो सर मिस्टर फाटकर कौन थे? जी हाँ, जितने भी क्रिकेट फैंस होंगे उन्हें जरूर मालूम होगा, जाने माने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहे हैं और एक ऑलराउंडर के तौर पर यानी बैट्समैन एंड बॉलर के तौर पर इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी सेवाएं, यूं कहें कि भारतीय क्रिकेट टीम में या भारत के लिए इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल और मैचेस खेले हैं। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर 1925 को कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ था और आज की बात अगर हम करें 17 मार्च 1985 को दत्तू पाटकर साहब का देहांत हुआ था। तो जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी थे, जाने माने क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ी थे दत्तू पाटकर। बिल्कुल,
तो इसी के साथ वील हेड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आंसर सेशन की बात करेंगे और देखेंगे पर्टिकुलर कि क्या हमारे आज के सेशन के क्वेश्चन आंसर्स है, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज यस क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग ही FYI क्वेश्चन बैंक में आपका एक नया क्वेश्चन पेपर एड ऑन होता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं. तो लेट्स सी आज के पेज में किस तरीके के क्वेश्चन एड ऑन हो रहे हैं. सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन. What is the tenure of the Chief Election Commissioner? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? Options आपके सामने हैं. पूछा है कितने वर्ष के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं. तो options की बात करें, first one is 5 years, next one is 7 years, third one is 4 years and last one is 6 years. तो बिल्कुल अगर हम आंसर की बात करें तो here comes the answer. Option number D, 6 years. बिल्कुल अगर हम बात करें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं अभी भी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनका नाम कहीं ना कहीं हाईलाइट होना चाहिए. तो यहाँ तो हमने ये समझ लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो टाइम पीरियड टेन्योर होता है वह 6 ईयर का होता है. और इस समय जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है नसीम जैदी, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. तो इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one among the following has the maximum number of national parks? निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? That means we are talking about the states. बिल्कुल. ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट वन इज मेघालय, थर्ड वन इज असम एंड लास्ट वन इज मध्य प्रदेश. So definitely अगर हम आंसर की बात करें तो अनडाउटेडली इट इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर नेशनल पार्क है, टाइगर जो सेंचुरीज अगर बात करते हैं टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो वह मध्य प्रदेश में ही है. अप्रॉक्स 12 या उससे भी ज्यादा नेशनल पार्क इस पर्टिकुलर स्टेट में स्थित है. बिल्कुल. तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who amongst the following was the last Governor General of Free India? निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट वन इज लॉर्ड माउंटबेटन, नेक्स्ट वन इज सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नेक्स्ट वन इज लॉर्ड इरविन एंड लास्ट वन इज लॉर्ड वेविन. डेफिनेटली तो आंसर की अगर हम बात करें सो हियर कम्स द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपाल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज. इन इंडिया प्लांड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज गांधीयन सिस्टम यानी कि गांधीवादी व्यवस्था, नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट सिस्टम यानी कि समाजवादी व्यवस्था, थर्ड वन इज कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था. सो डेफिनेटली अगर हम बात करें अपनी कंट्री की तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. बिल्कुल, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित तरीके की है यानी कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों के तत्व इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में पाए जाते हैं जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और काफी अपने आप में, अगर बड़ी कंट्रीज की भी बात करते हैं तो वहां पर भी आजकल जो है वह मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलती है क्योंकि एक तरफा सोशलिस्ट और एक तरफा कैपिटलिस्टिक होना आज के जमाने में थोड़ा सा कठिन है. तो दुनिया की जो अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं हैं वह मिक्स्ड इकोनॉमी की ही तरह है. सो डेफिनेटली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. To which of the Republic of Buddha belong? बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? Options की बात करें, first one is लक्ष्मी, second one is Sakya dynasty, third one is Mall and last one is Kaushal dynasty. बताना है किस dynasty और किस area, जिस dynasty की अगर हम बात करते हैं, वंश की अगर हम बात करते हैं, तो गणराज भी उसी नाम पे रखा गया. तो किस गणराज, किस रिपब्लिक से भगवान बुद्ध या भगवान सिद्धार्थ का संबंध था? Definitely, तो answer is option number B, Shakyas. बिल्कुल, शाक्य डायनेस्टी या शाक्य गणराज से जुड़े थे उनके पिता, जो कि आज हम लुम्बिनी जो एक एरिया है नेपाल के आसपास, जो लुम्बिनी और कपिलवस्तु नाम का राज्य है वहां से बिलोंग करते. Definitely, तो let's move on to the next question. In which one of the following state is Ranganathanu बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? रंगतिट्टू पक्षी अभयारण्य की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज केरला, नेक्स्ट वन इज तमिलनाडु, थर्ड वन इज आंध्र प्रदेश एंड लास्ट वन इज कर्नाटका. तो आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका. जी हाँ, यह पर्टिकुलर जो पक्षी अभयारण्य है बर्ड सेंचुरी है वह कर्नाटक राज्य में ही स्थित है. डेफिनेटली. तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was the leader of revolt of 1857 in Rohilkhand? 1857 के विद्रोह में किसने रोहिलखंड का नेतृत्व किया था? Options की बात करें, first one is खान बहादुर खान, next one is सहजादा फिरोज शाह, third one is राणा बेनी माधव सिंह and last one is मोहम्मद हसन खान. So answer की अगर हम बात करेंगे so definitely it is खान बहादुर खान, option number one. बिल्कुल, खान बहादुर खान की अगर हम बात करें तो 1857 का जो सिपाहियों का जो विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, स्पॉय म्यूटिनी जिसको, बिल्कुल हम, जी हाँ, सिपाहियों का विद्रोह जिसे हम स्पॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, जो कि 1857 में हुई थी, जिसके जनक जो थे या जिन्होंने इस पर्टिकुलर आंदोलन को यूं कहें कि चिंगारी दी, उनका नाम हम सभी जानते हैं मंगल पांडे. तो बरेली जो एक इलाका है जैसे हम रोहिलखंड के नाम से भी जानते हैं, तो बरेली और रोहिलखंड बात एक ही है. से जो लीडर थे वो है खान बहादुर खान से. दिल्ली से जो लीडर थे, हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहादुर शाह जफर थे.
लखनऊ से जो लीडर थी वह बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब यहाँ से लीडर थे। तो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में सिपाही विद्रोह में अलग अलग लीडर्स ने सिपाहियों का नेतृत्व किया था। तो बरेली या रोहिलखंड से जो लीडर थे उनका नाम था खान बहादुर खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। डेफिनेटली। तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whom did B.G. Tilak call the diamond of India? B.G. Tilak ने किसे भारत का हीरा कहा था? जी हाँ, ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज रविंद्रनाथ टैगोर, नेक्स्ट वन इज दादा भाई नौरोजी, थर्ड वन इज गोपाल कृष्ण गोखले, लास्ट वन इज लाला लाजपत राय। सो आंसर की बात करेंगे, सो डेफिनेटली दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया कथन था कि गोपाल कृष्ण गोखले भारत के हीरे हैं, यानी भारत के हीरे के समान है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी को राजनीति में लाने वाले भी गोपाल कृष्ण गोखले हैं, क्योंकि उन्हें गांधी जी का धार्मिक गुरु यानी गांधी जी का गुरु भी, राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, जो कि खुद अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप सभी के लिए। डेफिनेटली। तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। व्हिच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव्ड द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एंड वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड? किस तारीख को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया था? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज 26 नवंबर 1949, नेक्स्ट वन इज 26 जनवरी 1950, थर्ड वन इज 10th December 1949, एंड लास्ट वन इज 17 अक्टूबर 1949। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। बिल्कुल, 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अंगीकार किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। सो डेफिनेटली इसी क्वेश्चन के साथ वी विल एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस इफ यू आर लाइकिंग आवर इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड टू यू ऑल, बिकॉज दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। #FYI आप ही की जानकारी के लिए आप ही का शो है। तो अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी अगले इवेंट्स के साथ, घटनाओं के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।